देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं राधिका, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। एसकेके न्यूज पर देखें वैशाली जिला की खबरें। चेहराकला प्रखंड के अंतर्गत पंचायत बस्ती सरसिकंद के बस्ती सरसिकंद मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में तमिलनाडु से आए लगभग 15 व्यक्ति है। अभी तक नहीं स्थानीय मुखिया के द्वारा नहीं प्रखंड स्तरीय कोई सुख सुविधा प्रदान किया गया है। चेहराकला से अवनीश की रिपोर्ट। यहाँ के स्थानीय लोग है या कहीं और भी बाहर के? स्थानीय कौन सा गांव? कौन सा ये प्रखंड में पड़े? रचना कुमारी। उनसे बातचीत किए हैं क्या आप लोग? क्या बोले वो? बोलते हैं सर ठीक है, आप लोग जाइए सिहान, जाइए सिहान। हम लोग सिहान, उनके तरफ से भी सिहान गए तो वहाँ क्या बोला गया? सिहान बोला यहाँ जगह नहीं है, वहाँ हम वहाँ से भी हम लोग आए हैं, वहाँ जगह नहीं है। नाम 70 कहे हैं, एंट्री हुआ मगर हम लोग रखा नहीं, जाना चाहते हैं, जाना नहीं आपको रखने नहीं किया है कि हमको वहाँ रखने नहीं किया जगह, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ, कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोग को 10,000 भाड़ा दे के आए हैं तो हम वहाँ जाएंगे, अगर दूसरे से हमको अगर पट जाएगा तो हम वहाँ रहने से क्या फायदा 10,000 रुपया लगाने से हमको, इसलिए हम लोग यहाँ अपना सेफ्टी में रहते हैं, घर से खाना मंगवाते हैं खाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहन प्रसाद। आप यहाँ शिक्षक हैं? शिक्षक है। इस विद्यालय में? इसी विद्यालय में। अच्छा, इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया इस विद्यालय को? हाँ बनाया गया। इसकी कोई चिट्ठी मिली आपको? चिट्ठी यहाँ नहीं आई है, लेकिन चिट्ठी व्हाट्सएप पर आ गया। व्हाट्सएप पे आया है? तो ये जो तमिलनाडु से जो लोग आए हैं वो 3 दिनों से यहाँ हैं, तो हाँ। इसकी अनुमति आपने दी थी? हाँ हम लोग बुलवाए हैं। आपने बुलवाया, क्या क्या व्यवस्थाएँ दे रहे हैं इनको? व्यवस्था केवल रहने के लिए व्यवस्था है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं है? की व्यवस्था कुछ नहीं। कोई नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह चेकअप के लिए आए? कोई नहीं। ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किए थे कि हाँ यहाँ पे 10-15? हाँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अभी कुछ नहीं, हम लोग अभी फुर्सत में नहीं है, कोई जवाब नहीं। मौका मिलेगा तो आएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी से आपने मतलब संपर्क साधा था? नहीं हम नहीं साधे थे, लेकिन प्रखंड साधन से भी जो है कुछ साधा था, तो कहे थे शाम तक के हो सकता है जाएंगे पदाधिकारी। 3 दिनों से कोई सुध नहीं लिया गया? नहीं। सरसिकंद हाई स्कूल पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वहाँ पर तकरीबन 15 लोग हैं 3 दिनों से। उनका आरोप है कि यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधित्व वो अभी तक हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमें जानकारी मिली आज सुबह कि ऐसे ऐसे स्कूल पर 15 लोग हैं, तो हम और सरपंच साहब दोनों आदमी गए, और हमारे पंचायत पूर्व में पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर थी, अभी राज्य सरकार के आदेश अनुसार ब्लॉक स्तरीय प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, जिसमें सिहान है, मतनामी लिखा है, चेराकला है, अभी अब अक्करपुर है, तीनों तो भर चुका है। अगर अक्करपुर में लोग जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे पंचायत में बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, उनको हम लोग अपने सहयोग से क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं, और 15 लोग का जो समस्या था मॉर्निंग में हम लोग गए थे, समस्या तो सही है कि वो लोग आए हैं बाहर से, लेकिन हम लोग सहयोग करके उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजने का काम कर रहे हैं। सर ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक कोई मेडिकल टीम भी नहीं आया हमें टेस्ट करने के लिए? नहीं, वो उनका कहना सही है कि मेडिकल टीम यहाँ नहीं आई, मेडिकल टीम से हमारी जो बात हुई वो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में वो लोग टीम जा रही है, वहाँ पर जो भी प्रवासी उनको भेजने का काम उनका कथनानुसार कि भाई वहाँ जो लोग जाएंगे उनका जाँच हो रहा है। सर एक चीज़ और बताएंगे, आपके यहाँ ये क्वारंटाइन सेंटर है, आप अपने स्तर से क्या उनके लिए क्या सुविधा देना चाहेंगे? अपने स्तर से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, सैनिटाइज, साबुन वगैरह का उपलब्ध कराया जा रहा है, कराया गया भी है, और जो भोजन पानी जो बाहर से आ रहा है गाँव के लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जैसे कोई रात में आए चले स्कूल में है भोजन का जो भी व्यवस्था है वो किया जा रहा है, उसके बाद उनको टोटल गुड मॉर्निंग में उनको क्वारंटाइन सेंटर पहुँचा दिया जा रहा है। सर आप अपना नाम बताएंगे? राजेश चौधरी। वहाँ पर भोजन का व्यवस्था किया गया? भोजन का मॉर्निंग में व्यवस्था, मॉर्निंग में क्या क्या दिया?